हेलो गाइस, कैसे हो? तो हम लोग लेबर भाई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों, क्योंकि गर्मी के दिनों में कितना मुश्किल होता है जो वर्कर है उन लोगों को मालूम है, और मैं खुद वर्कर हूँ तो मुझे मालूम है कि गर्मी के दिनों में इतना प्रॉब्लम होता है, ना साइड पर ठंडा पानी मिलेगा, ना रेस्ट करने का जल्दी जगह मिलता है। तो अभी दुबई गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है दोस्तों, तो फिर मैं सोचा मैं अपने वर्कर भाइयों के साथ जो भी खुशी है वो शेयर करूं, ताकि अगर जो ये रूल पास किया है उसको अगर कंपनी सही से अगर लागू करता है तो वर्कर के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या रूल है दोस्तों, क्या आया है, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़्यादातर मैं कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले मैं 12 साल से ऑलरेडी खुद दुबई में जॉब कर रहा हूँ और मैं खुद एक वर्कर हूँ, लेबर हूँ। तो जो भी वर्कर की डे टू डे लाइफ में फीलिंग होती है और जो कुछ अच्छा न्यूज आ जाता है वर्कर के बारे में या कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ मैं अपने वर्कर भाइयों के साथ शेयर करूँ। और जो भी कंपनी के बारे में जो भी सवाल है दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर जवाब देगा, क्योंकि मैं बहुत सारा कंपनी के बारे में मुझे पता है और वर्करों से बात करके फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलता वीडियो में कोड के साथ आप कमेंट करना दोस्तों, कमेंट करोगे तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो ये क्या अपडेट है दोस्तों, तो पहले क्या होता था कि कोई भी साइड पे ना ठंडा पानी मिलता था गर्मी के दिनों में, ना आपको रहने का अच्छा सुविधा देता था, और 3 घंटा रेस्ट के नाम पर भी बहुत सारा कंपनियां काम भी कराता था, क्योंकि आपको मालूम है जो लोग दुबई से मेरा वीडियो देख रहे हैं कि गर्मी के दिनों में 12:30 से 2:30 बजे तक 3 बजे तक रेस्ट होता है, फिर भी कंपनियां क्या करती थी कि वो 3 घंटा अलग से काटती है, मतलब शाम को उसमें ऐड करना पड़ता था। तो 8 घंटा मतलब आपको ड्यूटी ऐसे पुराना ही पड़ेगा, उसके बाद जो भी 1-2 घंटा ओवर टाइम करना है वो भी करना है। तो अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, वो तो करना ही है, उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, बट क्या किया है कि वर्कर को अभी हर कंपनी को ये मेल गया है, इन्फॉर्मेशन गया है कि वर्कर को साइड पर रेस्ट के टाइम में आपको एसी देना है, मतलब रेस्ट रूम बनाने के बाद फुल एसी प्रूफ होना चाहिए और ठंडा पानी ज़रूर होना चाहिए। अगर ये करते, अगर कोई भी कंपनी इसका उल्लंघन करता है तो 50,000 दिरहम का फाइन का दुबई गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि अगर ये चीज़ नहीं, मतलब ठंडा पानी, लेबर को सूतने का जगह, क्योंकि रेस्ट पहले क्या होता था कि जिधर माओ पाओ उधर ही, आपने देखा होगा, आप लोग खुद दुबई से अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये बात में कितनी सच्चाई है, तो यस ज़रूर लिखना कि बहुत सारा कंपनियां करती कि खाना हाँ एक जगह पे खाओ और सीधा कहीं पर भी सो जाओ, ना एसी का सुविधा, ना ठंडा पानी, बहुत प्रॉब्लम, और गर्मी में इतना मुश्किल है दुबई के अंदर जॉब करना। जो लोग ये हार्ड वर्क करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, इंक्लूड मैं भी, तो मुझे पता है कि गर्मी के हालत में पूरा बॉडी का जितना कपड़ा है वो ये भींग जाता था, जूता तक पानी से पसीने से भींग जाता है दोस्तों। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि हर सुविधा साइड पर वर्कर को मिलना है, मतलब ठंडा पानी, रेस्ट करने का जगह और खाना स्टोर करने का अच्छा जगह होना चाहिए, ये सब चीज़ ज़रूर लाजिम चाहिए। और कंपनियां को ग्लूकोज वगैरह का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मतलब ये सब चीज़ अभी नया गर्मी आने से पहले अपडेट डाल दिया। अब कंपनी कितना इम्प्लीमेंट करती है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारा कंपनियां फिर मनमानी करने लगती है, थोड़ा दिन तक ऐसे करती है, फिर अपना अगर गवर्नमेंट ये कड़क डिसीजन लेगा तो शायद कंपनी कुछ करे, बट अभी देखिए रूल तो पास हो गया बट इसका इम्प्लीमेंट कितना होता है वो ऊपर वाला को मालूम है और कंपनी को मालूम है। तो ये अपडेट आया था दोस्तों, थोड़ा खुशी लगा, जो भी है छोटा मोटा अपडेट आया था तो मैं सोचा मैं अपने वर्कर भाइयों के साथ शेयर कर दूँ और बता दूँ कि ताकि हम लोग के दिल में थोड़ा गर्मी से कुछ राहत हो सके। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों, जब तक गुड बाय।